कंस्ट्रक्शन स्क्वाड। हेलो बेबीज, क्या कर रहे हो? ठीक कहा, स्पेस की सैर तो मजेदार रहेगी। मुझे लगता है इसमें कंस्ट्रक्शन स्क्वाड हमारी कुछ मदद कर सकती है। चलो चलकर देखते हैं। हेलो स्क्वाड, बेबीज के पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। क्या कहते हो, करोगे? ग्रेट, चलो काम की जगह पर चलते हैं। ये एकदम परफेक्ट जगह है। अरे वाह, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। हमें शुरू हो जाना चाहिए। पहला स्टेप है ट्रैक को सेट करना। पोल्स और बोल्ट्स को मत भूलना। हर एक पोल को राइड के साथ लगाओ, वो ट्रैक को संभाल के रखेंगे। ऐसे। जरा संभल के एडगर। बचा लिया। शुक्रिया इथन। चार्ली, इन कार्स को ट्रैक पर रखना है। परफेक्ट। वाह, ये तो बनने लगा है। अगला स्टेप वॉल्स। मिलके काम करो दोस्तों। अब हमें बस छत को लगाना है। लगता है तुम्हें मदद चाहिए। ग्रेट आइडिया इथन। हेक्टर, कंस्ट्रक्शन स्क्वाड को तुम्हारी मदद चाहिए। हाय हेक्टर, जल्दी आने का शुक्रिया। स्क्वाड को इस राइड पर छत लगानी है, पर उठा नहीं पा रहे। क्या तुम संभाल लोगे? बढ़िया, तुम कमाल के हो। हेक्टर, मदद के लिए शुक्रिया। इन्हें लाने का शुक्रिया बेबीज। ठीक है स्क्वाड, आखिरी स्टेप है, चलो इसे सजाते हैं। चार्ली, तुम सजावटों को हुक्स पर लगाओ। एडगर, तुम हुक्स को लगाओ। हो गया। ये कमाल का दिख रहा है। वाह, देखो तुमने क्या चीज बनाई है स्क्वाड। सबको ये राइड बहुत पसंद आएगी। अंतरिक्ष कमाल का है ना बेबी? लगता है राइड ने धमाल मचा दिया। मिशन पूरा हुआ स्क्वाड, साथ मिलके तुम कुछ भी कर सकते हो।
बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। हेलो टॉम, क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? ओह, एक बर्थडे सरप्राइज। चार्ली, इथन, एडगर, आज बेबी एम्बर का बर्थडे है और टॉम चाहता है कि हम उसके तोहफे के लिए मदद करें। क्या तुम सुनना चाहोगे प्रोजेक्ट के बारे में? ग्रेट टॉम, हमारा मिशन क्या है आज? बर्थडे कासल, बहुत अच्छा। कंस्ट्रक्शन स्क्वाड ये करेगी टॉम। चलो चले स्क्वाड। ये बिल्कुल सही जगह है बेबी एम्बर को सरप्राइज करने के लिए। ये मुश्किल काम होगा दोस्तों, तुम्हें एक टीम की तरह काम करना होगा बेबी एम्बर के तोहफे को बनाने के लिए। ठीक है, ये है जो तुम्हें करना है इस मिशन को पूरा करने के लिए। पहला, टावर के लिए फाउंडेशन बनाओ। इसका पहला हिस्सा रखो और स्लाइड का पहला टुकड़ा जोड़ो। दूसरा, टावर का दूसरा हिस्सा रखो और स्लाइड का दूसरा हिस्सा जोड़ो। तीसरा, टावर का आखिरी हिस्सा रखो और आखिरी स्लाइड को जोड़ो। वाह, कितना सारा बिल्डिंग मटेरियल है। चलो शुरू करते हैं। पहले हमें एक गड्ढा करना होगा जहां हम कासल को बनाएंगे। कौन करेगा इसे? बढ़िया, ठीक है। चलो पहला हिस्सा रखते हैं। बहुत अच्छे चार्ली, अच्छा काम किया। अब पहला स्लाइड रखते हैं। ओहो, लगता है हम स्क्रूज तो भूल ही गए। ठीक है, चलो स्लाइड को जोड़ते हैं। चार्ली, तुम अगला सिलेंडर और स्लाइड पीस को क्यों नहीं जोड़ते? ठीक है, सिर्फ एक ही हिस्सा बचा है टावर का जोड़ने के लिए। ओह नहीं, लगता है ये आखिरी हिस्सा कुछ ज्यादा ही भारी है चार्ली के लिए। ओह, मुझे पता है इसे उठाने में कौन मदद कर सकता है। चलो हेक्टर हेलीकॉप्टर को बुलाते हैं। हे हेक्टर, कंस्ट्रक्शन स्क्वाड को तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हॉस्पिटल के पीछे वाले फील्ड पे आ सकते हो? आने के लिए शुक्रिया हेक्टर। चार्ली बड़े हिस्से को अकेला नहीं उठा सकता, क्या तुम मदद कर दोगे? ग्रेट हेक्टर, अपने हुक को नीचे करो और जब चार्ली पीस को उठाए तुम भी उसे पकड़ लो। अब हमें बस इन्हें स्क्रूज से जोड़ना है और आखिरी स्लाइड पीस को रखना है। परफेक्ट। तुम्हें क्या लगता है वो आखिरी स्क्रू कहाँ लगेगा एडगर? क्या तुम में से कोई जानता है? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम कोई स्पॉट ढूंढ ही लोगे एडगर। बिल्कुल ठीक,
बेबी एम्बर का बर्थडे सरप्राइज तैयार है स्क्वाड। बहुत अच्छा काम किया कासल, बहुत अच्छा लग रहा है। सरप्राइज बेबी एम्बर, हैप्पी बर्थडे। तो कैसा लगा बर्थडे प्रेजेंट? अच्छी बात है, हमें खुशी है तुम्हें ये पसंद आया। बहुत अच्छा काम किया सबने, देखा एक टीम की तरह काम करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी मदद का शुक्रिया हेक्टर, बाद में मिलते हैं, फिर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन स्क्वाड, देखो लगता है बेबी कार्स खेलने आ रहे हैं। क्या गेट तो जमा हुआ लग रहा है, असल में पूरा मैदान ही जमा है। आज यहाँ खेलना तो बहुत खतरनाक होगा। रुको एक मिनट, वहाँ कंस्ट्रक्शन स्क्वाड है, शायद वो कुछ मदद कर सके। हेलो दोस्तों, मिलकर अच्छा लगा। वो बहुत दुखी हैं क्योंकि मैदान पर बर्फ जम गई है आज। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है इथन। क्या तुम एक नया आइस रिंग पसंद करोगे खेलने के लिए? क्या तुम ये कर लोगे स्क्वाड? ये मुश्किल होने वाला है, तुम्हें एक टीम की तरह काम करना होगा। ग्रेट, जल्दी जल्दी दोस्तों। सिर्फ गेट को सही जगह पे रखना है अभी, फिर हम तैयार होंगे जाके लेक से बर्फ लाने के लिए। हम बस लेक पर पहुंच ही गए हैं। वो आराम से दोस्तों, यहाँ फिसलन है। लेक तक पहुंचना आसान नहीं होगा जब तक हम, वो तो स्नोप्लो सैम की आवाज है। हे सैम, तुम्हारी ही जरूरत थी। क्या तुम बर्फ हटा के रास्ता बना सकते हो ताकि कंस्ट्रक्शन स्क्वाड लेक तक पहुंच सके? तुम्हारी मदद का शुक्रिया सैम, चलो अब लेक से बर्फ निकाल ले स्क्वाड। संभल के चार्ली, हमें इसे टूटने नहीं देना है। तुमने कर लिया, ग्रेट टीम वर्क। उम्मीद है कि ये बर्फ गड्ढे में फिट होगी। Thank you.
ये तो बिल्कुल फिट है। पसल का आखिरी हिस्सा बचा है और आइस रिंक तैयार होगा। रैंप को जगह पर कौन रखने वाला है? लगता है ईथन करेगा ये। बढ़िया टाइमिंग स्क्वाड, बेबीज रास्ते में ही है। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से बेबीज इस ठंड में बहुत खुशी से खेल सकते हैं। क्या तुम लोग नई आइस रिंग को आजमाना नहीं चाहते? ओह हाँ, तुम तो स्केटिंग कर चुके कुछ देर पहले तालाब के पास बर्फ पर। शायद तुम्हें बस बेबी कार्स को खेलते हुए ही देखना चाहिए। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। कैसे हो दोस्तों? लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो आज। हेलो लिली, तुम्हें देख के अच्छा लगा। क्या तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन स्क्वाड के लिए? ओह अच्छा, चार्ली, ईथन, एडगर, लिली को एक कंस्ट्रक्शन करवाना है। क्या तुम लोग सुनना चाहोगे इस बारे में? ठीक है लिली, बताओ क्या है मिशन? अरे वाह, एक नया स्लाइड प्लेग्राउंड के लिए। चलो चले स्क्वाड। ये एक मुश्किल काम है। तुम सबको एक साथ एक टीम की तरह काम करना होगा इसे बनाने के लिए। तो पहले हम प्लेटफॉर्म के साथ टावर बनाएंगे, दूसरा हम प्लेटफॉर्म के साथ स्लाइड को जोड़ेंगे, तीसरा हम प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ एक रैंप जोड़ेंगे। देखो इन बिल्डिंग मटेरियल्स को। हमें कुछ लकड़ी से ज्यादा मजबूत चीज की जरूरत पड़ेगी जो स्लाइड को संभाल सके। ईथन, ये मेटल के खंभे जरूर प्लेटफॉर्म को संभाल लेंगे और गेट्स कार्स को गिरने से बचाएंगे। सही कहा चार्ली, ये स्लिपरी स्लाइड्स के लिए परफेक्ट है। हमें उन स्क्रूज की जरूरत तो पड़ेगी ही सब कुछ साथ में जोड़ने के लिए। ईथन, अच्छा आइडिया। बिल्कुल एडगर, हमें प्लेटफॉर्म को नहीं भूलना है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो रैंप, उसके बिना प्लेटफॉर्म पर चढ़ेंगे कैसे? ठीक है टीम, सब ऐसे ही लगे रहो। हमें इन्हें जमीन में डालना होगा स्लाइड को ऊपर उठाए रखने के लिए। एडगर, शायद ईथन तुम्हारी मदद कर सकता है। ये मुश्किल दिख रहा है लेकिन तुम लोग कर सकते हो। तुम्हें स्क्रू से गेट को प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया।
अब हमें जरूरत है प्लेटफॉर्म को स्लिपरी बनाने की। ठीक कहा चार्ली, स्लाइड खड़ा नहीं रहेगा अगर बीच में सपोर्ट ना दिया तो। इथन, एडगर, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है जो स्लाइड को बीच में सपोर्ट दे सके? बहुत खूब दोस्तों, वाह, तुम एक एक्स्ट्रा रैम के लिए भी लाए हो। फिर तुम्हें दूसरी स्लाइड लगानी होगी। इथन, क्या तुम रैम को यहाँ ला सकते हो? चार्ली इसे रख देगा। बढ़िया टीम वर्क। स्लाइड अब पूरी तरह तैयार है। हाय लिली, नया स्लाइड कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया काम किया तुम सब ने, ये मिशन पूरा हुआ और ये हम सब साथ मिलकर ही कर पाए हैं। फिर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन स्क्वाड, हेलो बेबी, लगता है तुम लोग आज मस्ती कर रहे हो। वाह, देखो तो जरा, ग्रेट आइडिया बेबी टॉम। मैं जानता हूँ कंस्ट्रक्शन स्क्वाड जरूर कुछ कर सकेगी जिससे तुम भी उड़ सकोगे। तुम्हें क्या लगता है बेबीज, चले स्क्वाड के पास? ठीक है, चलते हैं। स्क्वाड, बेबीज जानना चाहते थे कि अगर तुम उनके लिए एक राइड बना सको जिससे वो भी हेक्टर और पैनी की तरह उड़ सके, क्या कोई आइडिया है तुम्हारे पास? बढ़िया, चलो काम की जगह पर चले दोस्तों। लगता है हमें बहुत सारा काम करना है दोस्तों, अच्छा होगा कि हम शुरू कर दें। ठीक है, पहले फाउंडेशन को बिछाते हैं। चार्ली, क्या तुम स्लैब्स को पकड़ सकते हो? बिल्कुल, वाह कितना जल्दी किया, ग्रेट जॉब। ये नरम है तो बेबीज के इस पर गिरने से उन्हें लगेगी नहीं। आगे हमें वो प्लेटफॉर्म और स्प्रिंग को लगाना है। चार्ली, इथन, क्या तुम चीजें इकट्ठी कर सकते हो? ठीक है चार्ली, प्लेटफॉर्म को फाउंडेशन के बिल्कुल बीच में रख दो। बहुत अच्छे, क्या तुम इसे फाउंडेशन के साथ स्क्रू से जोड़ दोगे? हुँ।
नहीं, जल्दी पकड़ो उन्हें इससे पहले कि वो लुढ़क जाए। शुक्रिया एडगर। अच्छा काम किया। ये अब बनने लगा है। काम पूरा होने ही वाला है। अब हमें बस प्लेन को साथ में लगाना है। कुछ गड़बड़ है। सही कहा, ये उल्टा रखा है। लो हो गया। बढ़िया दिख रहा है। चलो अब विंग्स, प्रोपेलर और रडर्स लगाते हैं। हो गया, बहुत अच्छे। अब हमें इसे स्प्रिंग के ऊपर रखना है। एडगर, क्या तुम उसे स्क्रू से जोड़ दोगे? बढ़िया किया दोस्तों, बेबीज को ये सब बहुत पसंद आएगा। आ गए बेबीज, क्या तुम थोड़ी मस्ती के लिए तैयार हो? प्लेन को टेस्ट करना चाहोगे टॉम? बिल्कुल, तुम्हें मजा आ रहा है। मिशन पूरा हुआ स्क्वाड, तुम बहुत कुछ कर सकते हो जब एक टीम की तरह काम करो। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।